नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सरकार एक तरफ तो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमोशन कर रही है और दूसरी तरफ इन वाहनों का उपयोग करने वालों को अब सख्त चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अगर घरेलू बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग होते पाए गए तो बिजली चोरी का प्रकरण बनेगा और वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा जुर्माने की कार्यवाही होगी। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ई रिक्शा के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर कार तक बाजार में आ रही हैं। इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी नए नए वाहन भी बाजार में ला रही है। अब इन सबके बीच विद्युत विभाग की और चेतावनी जारी हुई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंजड़ ग्रामीण वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता प्रशांत चतुर्वेदी ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग के लिए अलग से बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा घरेलू कृषि या अन्य प्रयोजन से बिजली कनेक्शन का उपयोग करते हुए वाहन चार्ज नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत पंचनामा बनाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहन के चार्जिंग के लिए बिजली की दरें भी अलग से तय होंगी। आ रहे इलेक्ट्रिक वाहन, उनके लिए कुछ निर्देश जारी हुए हैं क्या है सर? हाँ, अभी ऊर्जा विभाग से निर्देश आया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन लेता है तो उसके लिए उसको अलग से नया कनेक्शन लेना पड़ेगा जी। और मेरा अनुरोध भी है क्षेत्र के जो भी मेरे विद्युत उपभोक्ता हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन लेके आए तो नया कनेक्शन ले लें, फिर उसको चार्ज करें जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा होने से बचें। सर, इसमें जैसे टू व्हीलर और फोर व्हीलर भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक कारें भी आने लगी है बिजली से चलने वाली, तो उसके लिए कनेक्शन के लिए कोई रहेगा छोटा या बड़ा कनेक्शन? नहीं, वो तो उसके जितना रहेगा वाट के हिसाब से वो कनेक्शन लेना है अपने को। अब वो जैसे जितने का भी होगा, अभी तो वैसे आइडिया नहीं है मुझे, पर जितने भी किलोवाट का उसके हिसाब से कनेक्शन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। सर, इसमें कोई जब्ती वगैरह की कोई कार्रवाई भी कैसे क्या होगी यदि कुछ पकड़ा जाता है इस तरीके से? नहीं, अभी निर्देश आए कि अगर कोई ऐसा करता है और नहीं मानता है तो उसके खिलाफ पंचनामा बना के कार्रवाई की जाए। मतलब मीटर से जो घरेलू उपयोग है उस जो मीटर है उससे उपयोग नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप लाते हैं, कोई भी लाता है, तो मेरा अनुरोध है वो तुरंत बिजली विभाग में संपर्क करके उसका गाड़ी का नया कनेक्शन ले लें।